युवाओं के लिए संदेश ये है कि वो कहते जितने भी युवा नेता उनका साथ दें, वो स्पेशली हमारी पार्टी में लाइक विजेंद्र सिंह है, हमारे राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि युवा बढ़ चढ़ कर राजनीति में आए। क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि जब तक युवा देश का राजनीति में नहीं आएगा उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ युवा ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और राजनीति में आए और हमारा सपोर्ट करें। क्या लगता है कि आपके आने से कांग्रेस के प्रति युवाओं की जो पहचान है वो बढ़ेगी? जी ऑफकोर्स। और ये बात कहते हैं, मैं बोलता यहाँ थी जो आवाम से पूछे जनता से पूछेंगे तो वो इसका अच्छी तरह जवाब देना है। हमारी फाइट किसी से नहीं है, हमारी फाइट है बेरोजगारी से, हमारी फाइट है महंगाई से, हमारी फाइट है जो बढ़ती कीमतें तेलों की उन से, तो हमारी फाइट है गरीबी से। तो बहुत सारी चीजें पहले इनको ठीक करें, आपस की फाइट बाद में निपटा लेंगे। गाँव देहात का एरिया है, क्या मानते हैं? बिदूड़ी जी भी खुद गाँव देहात से जुड़ते हैं, कितनी टक्कर आप दोनों लोगों की रहेगी ये बताइए। सर देखिए, मैं बिल्कुल गांव से निकला हूं और कहते किसान परिवार से लिया, मेरे पिताजी अब भी मेरे साथ है जो हरियाणा रोडवेज में अभी ड्राइवरी करते हैं, तो कहते मुझसे बेहतर कहते जो उन किसानों को और इस गांव की लाइफ को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान पाया। तो मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे कि बिकॉज मैं उस परिवेश से निकला हूं और अब मैं जाके लंदन और यूके में फाइटें करता हूं, तो वो इसको एक इंस्पिरेशन मानते हैं, मैं मानता हूं। सामने लेके आए यूथ की डिमांड है, कांग्रेस राहुल गांधी जी की पसंद है, विजेंदर पूरे देश का नाम रोशन किया, अब एक जोरदार प्रहार करने जा रहे हैं जो ये जुमले की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, जो इन्होंने जो भी वादे किए वो एक वादा पूरा नहीं किया। इसलिए हमारे जो बॉक्सर विजेंदर हैं ये भारी मतों से जीतेंगे और सातों सीटें जीतेंगे हम। कांग्रेस पार्टी ने विजेंद्र सिंह बॉक्सर विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है दक्षिण दिल्ली से, क्या कहेंगे? आप देखिए नौजवानों की एंट्री हो रही है, जैसे हमारे राहुल जी नौजवान हैं और इस देश की भागदौड़ उनके हाथ में है, उसी तरह से कैंडिडेट्स उनका सिलेक्शन कर रहे हैं। एक युवा आवाज है और हमें पूरा इस चीज़ में कोई हमें शक नहीं है कि हम ये सीट ना जीते। कहीं ना कहीं मैडम आपको नहीं लगता कि जो पुराने चेहरे हैं उनको दरकिनार किया है एक तरफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने चेहरे जो हैं, देखिए हम सब लोग मिलके आए हुए हैं, चाहे हमारे जग प्रवेश जी हैं, रमेश कुमार जी हैं, हमारे जो XMP रहे हैं, हम सब लोग साथ हैं, किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। नए चेहरे की घोषणा की और बहुत दमदार तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा, पार्टी के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे उनको? लोगों का जोश ये बता रहा है कि जो ये नया चेहरा है और यंगस्टर जो है बहुत जोश में है आज, क्योंकि उनको लगता है कि आज हमारे से कंधा मिलाकर काम करने वाला हमें पूर्ण रूप से मिल गया है, तो इसका बहुत प्लस पॉइंट है ये। क्या कहेंगे मैम, युवा चेहरा कांग्रेस सामने लेके आए दक्षिण दिल्ली में, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि युवा शक्ति की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत थी। ये हमारी समस्याओं को समझेंगे भी और उससे निजात भी दिलाएंगे और 101% हम जीतेंगे। क्या कहेंगे मैम युवा चेहरा? युवा चेहरा है ये दक्षिणी दिल्ली के ना जितने भी समस्याएं हैं उनसे निदान दिलाने के लिए आया है और ये उनका जो एक लोकसभा का नहीं वो पूरी दिल्ली पे असर पड़ेगा इसका, कि वो एक एक करके समस्याओं से दक्षिणी दिल्ली की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आए हैं और वो निजात दिलाएंगे। हम लोग तन से मन से धन से उनके साथ हैं, हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ये चोरी करता है, पीछे छुप जाता है, इसका कुछ पता नहीं चलता, ये बहुत मतलब चोरी करता है, हेरा फेरी करता है, हम इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये आए दोबारा से। हम चाहते हैं हमारी कांग्रेस आए क्योंकि हमारी कांग्रेस सबसे अच्छी है और सबसे बेस्ट है। युवा चेहरा सामने आया है और प्रोफेशनल हिंदुस्तान का नाम इन्होंने वैसे भी बहुत रोशन किया हुआ है, प्रोफेशनल बॉक्सर हैं जो कि हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी विजेंद्र सिंह का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। इन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, अब देखना तो यहाँ की जनता को है कि दुनिया में तो इसका नाम रोशन हुआ है कि यहाँ की जनता इसके घर की जनता इसका नाम रोशन करती है या नहीं करता है, वो देखेंगे 23 तारीख को। चेहरों को दरकिनार कर कांग्रेस पार्टी ने एक नया चेहरा सामने लेके आए हैं, बीजेपी भी तो नए चेहरों को दे रही है ना जगह। बीजेपी ने इस बार जो सीटें दी अपने नए चेहरों को दी है, कुछ पुरानों को दी है, तो यही सोच अगर कांग्रेस ने अपने नए युवा कैंडिडेट को दी, जैसे हमारे अध्यक्ष युवा हैं राहुल गांधी जी, तो अगर विजेंद्र सिंह अगर नए हैं तो उनको अगर ये सीट दी है तो कुछ सोच समझ के हमारे हाईकमान ने सीट दी होगी ना। अगर बीजेपी अपने नए कैंडिडेट नए चेहरे ला सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं ला सकती? ये हमेशा हमारे साथ कॉम्पिटिशन में क्यों होता है कि उनको युवा चेहरा यहाँ से क्यों उतारा गया? क्यों नहीं उतारेंगे हम? क्यों नहीं उतार सकते? कांग्रेस क्यों नहीं उतार सकते? मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो देश की शान है और पूरे देश का नाम रोशन करने वाले विजेंद्र सिंह जी साउथ दिल्ली से MP के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझकर टिकट दिया है
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक जितने भी वादे किए हैं उन पर वो हमेशा खरी रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त विजेंद्र सिंह जी की सोच यही है कि मेहरौली और जितना भी साउथ जिला है, जो भी उनके हमारे हर क्षेत्र के अंदर एरिया आता है, उसको पूरी तरह से डेवलप करना है। आपको याद होगा कि दिल्ली जहाँ आज से 5 साल पहले थी वहीं की वहीं है, एक से टस से मस रोड नहीं बिगड़ी है, आप देख सकते हैं। साथ दोनों हाथों से 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 दोनों हाथों